रेलवे पटरी पार कर रही एक महिला की ट्रेन से कटने से मौत हो गई। महिला क्षेत्र की ही रहने वाली है जो पटरी पार कर मंदिर दर्शन करने जा रही थी। रेलवे पुलिस ने मार्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए MY अस्पताल पहुंचा दिया है। हादसा उस समय हुआ जब माणिक बाग क्षेत्र की रहने वाली महिला रोजाना की तरह पटरी उस पार मंदिर दर्शन करने जा रही थी। उसी समय ट्रेन आ गई। ट्रेन में महिला को अपने चपेट में ले लिया। पुलिस के मुताबिक महिला की शिनाख्त 60 वर्षीय जानकी बाई नाथ के रूप में हुई है, जो क्षेत्र के ही राजमहल कॉलोनी की रहने वाली है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए MY अस्पताल पहुँचवा दिया है। ऐसे हादसे का यह पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी ऐसे कई हादसे हो चुके हैं, फिर भी आप लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रेलवे पटरी पार करते हैं। रेल प्रबंधन द्वारा भी यहां पर कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिसके चलते ऐसे हादसे होना आम बात हो गई है। अब देखना यह होगा कि इस हादसे के बाद अब रेलवे प्रबंधन किस तरह सुरक्षा के इंतजाम करता है। जी, हमें सूचना मिली थी के माणिक बाग रेलवे माणिक बाग ब्रिज के नीचे कोई महिला अज्ञात महिला रन ओवर हो गई है, तो उसकी सूचना पर जूनी इंदौर द्वारा कार्रवाई की गई और मौके पर पहुंचकर जो भी कार्रवाई करनी थी की गई, उसकी जांच जारी है और उसे जूनी इंदौर थाना द्वारा कार्रवाई कर SI को क्या नाम है SI कोमल राम मालवी के सुपुर्द कर दिया गया है। महिला श्रीमती जानकी, उम्र है उनकी 60 वर्ष और पति का नाम है तिलोक नाथ जी।